नमस्कार दोस्तों, मैं इसका सिंह अपने और आपके YouTube चैनल ऐप्स राजा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप भी फ़ोन से लोन 100% लेना चाहते हैं तो सिविल स्कोर आप अपना जरूर चेक करें। जी हां दोस्तों, जितनी भी कंपनी फ़ोन से लोन देने का वादा करती है या फ़ोन से लोन देती है, वो सारी की सारी आपके सिविल स्कोर को जरूर चेक करती है। यदि सिविल स्कोर जितना ज़्यादा होगा, आपके लोन मिलने के चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यदि सिविल स्कोर कम होगा तो आपके लोन मिलने के चांस कम हो जाएंगे। बहुत समय ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं फ़ोन से लोन के लिए अप्लाई तो कर देते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, लेकिन उन्हें लोन नहीं मिलता, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसका कारण है सिविल स्कोर। जी हाँ दोस्तों, सिविल स्कोर कम होने की वजह से आपको लोन नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, यदि आप भी फ़ोन से लोन 100% लेना चाहते हैं तो अपना सिविल स्कोर जरूर चेक करें। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप सिविल स्कोर कैसे चेक करेंगे, कहाँ से चेक करेंगे और आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सारी बातें मैं वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग भी अपना फ्री में सिविल स्कोर कैसे चेक करते हैं वो जान लेते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में जाना होगा और वहां पर सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा पैसा बाजार.com। पैसा बाजार.com आपको फ्री में सिविल स्कोर चेक करके बताती है कि आपका सिविल स्कोर क्या है। तो इसे हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद देखिए एक पेज ओपन होगा और सबसे ऊपर में ही पैसा बाजार.com दिख रहा है। द्वारा हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो नए पेज पर ले जाएगा और जहाँ से हम अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सिविल स्कोर चेक करने का। तो नेट थोड़ा कमज़ोर होने की वजह से अभी सर्च नहीं हो पा रहा है, लेकिन चलिए देख लेते हैं। तो ये नए पेज पे हमें ले आया है और यहाँ से देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, चेक योर क्रेडिट स्कोर नाउ, येलो कलर से लिखा हुआ है और यहाँ पर घड़ी की तरह कुछ साइन दिया हुआ है जिसमें रेड और ग्रीन लिखा हुआ है। यानी कि आपका आदि इस ग्रीन जोन में आता है आपका क्रेडिट स्कोर तो आपको लोन मिलेगा, यदि रेड में आता है तो आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग रेड में है या ग्रीन जोन में है। तो यहाँ चेक योर क्रेडिट स्कोर नाउ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होगा फ्री क्रेडिट स्कोर और यहाँ पर एक पर्सनल डिटेल का फॉर्म होगा जिसको आपको फिलअप करना है। यहाँ पर देखिए मेल, यदि आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, फुल नेम एज़ पर बैंक रिकॉर्ड जो कि आपका बैंक रिकॉर्ड में है वही आपका पूरा नाम यहाँ डालना है, डेट ऑफ बर्थ DDMM और YYY के अधीन में रहना चाहिए, दिन मंथ और ईयर के ऐसे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर लिखना है, फिर पिन कोड एज़ पर योर बैंक रिकॉर्ड, जो बैंक रिकॉर्ड में आपका पिन कोड दर्ज है वो आपको करना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस आपको टाइप करना है एज़ पर बैंक रिकॉर्ड जो कि आपका बैंक रिकॉर्ड में होना चाहिए, और मोबाइल नंबर एज पर बैंक रिकॉर्ड, और मोबाइल नंबर भी आपका आपके अकाउंट से लिंक होना चाहिए। और इसके बाद आपको जैसे ही आप मोबाइल नंबर यहां पर डालेंगे आपको वेरिफिकेशन मांगेगा, उसका एक OTP आएगा, OTP डालेंगे तो मोबाइल वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए एक बॉक्स दिया हुआ है, वो बॉक्स में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे गेट योर क्रेडिट स्कोर लिखा हुआ है, जैसे ही आप गेट योर क्रेडिट स्कोर पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखिए जैसे ही हम गेट योर क्रेडिट स्कोर पे किए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सैलरी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस। तो आप क्या करते हैं उसका भी डिटेल आपको भरना है। तो मैं सैलरीड हूँ तो मैं सैलरी डालूँगा और एम्प्लॉयर का नाम मैं डालूँगा। यहाँ पर आपको अपना मंथली इनकम डालना है उसके बाद हम लोग व्यू रिपोर्ट में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट योर क्रेडिट स्कोर पर क्लिक करेंगे आपका स्कोर आपको बता देगा कि आपका स्कोर कितना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। और यदि आपका रेड जोन में है तो आपको समझिए लोन नहीं मिलेगा, और यदि ग्रीन जोन में है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक घड़ी का आकार का होगा और वहाँ पर रेड और ग्रीन का सिग्नल बना हुआ है, तो यदि आपको ग्रीन में है तब तो अच्छी बात है कि आपको लोन मिल जाएगा। और ख़ास बात दोस्तों ये बताना चाहता हूँ
कि जैसे ही आप गेट योर क्रेडिट स्कोर पे करेंगे और यदि आपका स्कोर नहीं दिखाया, उसका रीज़न ये होगा कि आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा। यदि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करते हैं तो दोस्तों ये स्कोर आपको नहीं दिखाई देगा। और साथ ही साथ आप यदि लोन लिए हैं कहीं से और उस लोन को चुका दिए हैं तो भी आपका जो है क्रेडिट स्कोर नहीं दिखा पाएगा। यानी कि यदि क्रेडिट स्कोर आपको चेक करना है तो यदि आप लोन लिए कहीं से और उस लोन को चुका दिए तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाएगा। और दूसरा, क्रेडिट कार्ड आपके पास है, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसका पेमेंट भी आप समय समय से करते रहते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बनेगा। और यदि आप किसी तरह का लोन नहीं लिए हैं और क्रेडिट कार्ड भी आपके पास नहीं है तो आपका क्रेडिट स्कोर नहीं दिखाएगा यहाँ पर कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन और फायदेमंद वीडियो देखने मेरे चैनल ऐप्स राजा को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदार तक शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।